शहर कायद में 2019 के बाद 2020 में भी बारिश अपने जोबन पर है। वो कराची जो कभी बारिशों को तरसता था, आज एक के बाद एक स्पेल से दो चार हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली का ये असर खुशगवार है या आने वाले वक्त में खौफनाक असरात मुरतब करेगा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। कराची में बारिश का एक सिस्टम गया तो दूसरा आ गया। तीसरे और चौथे के बाद पांचवें और छठे की भी आमद आमद की पेशगोई है। बूंदों की यलगार रवां साल भी बरकरार रही। जुलाई से जारी बारिश का सिलसिला कहां थमेगा, ये वक्त ही बताएगा। कराची में कचरे से भरे नाले भी आवाम के लिए एक सवालिया निशान से कम नहीं। कराची में नालों की सफाई के लिए एनडीएमए का ऑपरेशन जारी है। गुज्जर नाला, कोरंगी नाला, मवाजगोट नाला और लियारी नदी भी कचरे से साफ कर दी गई। 20 सालों में पहली बार कराची के नालों से मनोटनों कचरा निकाला गया तो शहरी खुशी से निहाल हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची शहर में नालों की सफाई का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, नालों से इंक्रोचमेंट का सफाया जल्द किया जाएगा। शहर में 30 से ज्यादा नालों को मुकम्मल साफ कर दिया गया है। मैंने आज सुबह की मीटिंग में कहा है कि देखिए बहुत हो गया, बैठ के इस्लामाबाद से और कहीं से बैठ के अपने घरों से बैठ के ऐलान करना कि सिंध हुकूमत 12 साल हुए फेल हो गई है, ये सारी इंक्रोचमेंट ज़्यादा इंक्रोचमेंट सारी मैं नहीं कहूँगा हमारे टाइम से पहले की है। नंबर वन, ये काफ़ी ऐसी इंक्रोचमेंट्स हैं जिनको आप लीगल इंक्रोचमेंट्स कहते हैं, इसलिए उनको इजाज़त इस चीज़ की भी जो आपने जिक्र किया अभी CBM के पार्किंग का, उसकी भी इजाज़त दी गई है। ये लीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, इन सब का इंस्टेंट के मीडिया मिल के, वफाकी हुकूमत मिल के, बाकी लोग मिलकर सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, सिंध हुकूमत का काम भी दिखाएं। बहुत मुझे अफसोस कभी कभी मीडिया, खैर जैसे आपका काम है, मैं नहीं माइंड करता, माइंड करता होता तो मैं आपको और कहता, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ज़रा साफ रोड भी दिखा दिया करें। कराची के प्रॉब्लम्स हैं, इंक्रोचमेंट्स में प्रॉब्लम्स हैं, लीगल इलीगल जहाँ। अवाम मौसम का मजा लेने में मसरूफ है, ताहम क्या कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तवील बारिश के स्पेल सह पाएगा। आलमी मौसम पर गहरी नज़र रखने वाले शहर में घटती हरियाली और बढ़ती अर्बनाइजेशन को इसकी वजह करार देते हैं। कहा जाता है कि फ्लैट्स का जंगल बनाने के साथ अर्बन फॉरसेटिंग का बंदोबस्त भी किया जाए, वरना छोटी मोटी जहमत देने वाली बारिशें बड़ी आफत का सबब भी बन सकती हैं।